आप देख रहे हैं जी 10 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के बड़वाह नर्मदा तट के स्थित अद्भुत संत श्री श्री 1008 तातंबरी सरकार के आश्रम पर शुक्रवार शाम को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पहुंचकर गुरु महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रसादी ग्रहण की, जिसके बाद मां नर्मदा के दर्शन के इस दौरान महाराष्ट्र के नागपुर में विगत दिनों बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आयोजन के बाद वहां के लोक चमत्कारिक शक्तियों पर भी टिप्पणी की गई। श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा मेरा चमत्कार नहीं, मेरे ईष्ट का चमत्कार है। मुझे हनुमान जी पर विश्वास है, मुझे सन्यासी बाबा पर विश्वास है। उनका मैंने इंटरव्यू देखा है, उन्होंने कहा मेरा चमत्कार कुछ भी नहीं है, मेरे ईष्ट का चमत्कार है, मुझे हनुमान जी पे विश्वास है, मुझे सन्यासी बाबा पर विश्वास है और उनकी कृपा से सब कुछ होता, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो उनका छोटा सा साधक हूँ। इसलिए ये इस प्रकार के उन पर आरोप लगाना मिथ्या है और सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में चंद रुपए के लिए गुरु और शिष्य ने रिश्ते में दरार आई। स्कूल में छात्रों ने प्रिंसिपल सहित सभी शिक्षकों को स्कूल में बंधक बनाया। छात्रों ने कहा 2020 में कोरोना काल का पैसा कई बार मांगने पर भी नहीं मिला। उसी से नाराज होकर छात्रों ने प्रिंसिपल सहित सभी शिक्षकों को स्कूल के कमरे में बंद कर दिया। तो ये प्रिंसिपल ने कहा कि पूरे स्टाफ को पैसों के लिए छात्रों ने बंधक बनाया है, जहां ग्राम प्रधान के आश्वासन के बाद छात्रों ने शिक्षक को मुक्त किया। धीरज कुमार शर्मा, विद्यालय, कितने क्लास में? 50 हम लोग का स्कूल में सर पैसा नहीं दे रहे, इसलिए प्रिंसिपल सर का ऑफिस में बंद कर दिया। जयप्रकाश यादव, प्रभारी प्रधानाध्यापक है, दुर्जनपुर। बच्चे चौथा चरण का पैसा नहीं गया, उसी के लिए उसके लिए कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, इसीलिए ताला बंद किया, कई सभी लोग। अगली खबर गोंडा से है, जहां नंदिनी नगर में सीनियर नेशनल ओपन रैकिंग कुश्ती टूर्नामेंट का आज से 3 दिवसीय आयोजन चल रहा है और सुबह 9 बजे से ही पहलवान अपना दमखम दिखा रहे हैं। कुश्ती संघ पर लग रहे आरोप और विरोध के बीच आज नंदिनी नगर में भारतीय कुश्ती संघ द्वारा आयोजित सीनियर नेशनल ओपन रैकिंग कुश्ती टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है। स्टेडियम में आज देश भर से काफी संख्या में महिला और पुरुष पहलवान प्रतिभाग करने के लिए नंदिनी नगर पहुंच गए हैं। 3 दिवसीय प्रतियोगिता को लेकर आज सुबह 9 बजे से ही प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया और 3 दिवसीय टूर्नामेंट में कुश्ती के सभी भार्गवों में पुरुषों की फ्री ट्रायल और ग्रीको रोमी और महिलाओं के लिए फ्री ट्रायल के मुकाबले कराए जाएंगे। मुजफ्फरनगर पुलिस की गांजा तस्करों पर शिकंजा जारी है। पुलिस ने 3 शातिर गांजा तस्कर को जेल भेजा, 3 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया। मुखबिर की सूचना पर बुढ़ाना रोड से गिरफ्तार किए गए हैं, जहां पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा। गांजा तस्करों पर आधे दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। जनपद की खतौली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। शाजापुर में सर्विलांस के प्रभारी इंस्पेक्टर ने भाजपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पर पिस्तौल तानी है। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह यादव पर इंस्पेक्टर ने पिस्तौल तानी। SP से शिकायत के बाद सर्विलांस के प्रभारी इंस्पेक्टर नीरज यादव को निलंबित किया गया। 5 लाख रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। थाना सदर बाजार के कचहरी के पास स्थित वीरेंद्र पाल सिंह यादव के आवास की ये पूरी घटना है। सन दिसंबर 2020 में इंस्पेक्टर नीरज यादव, उस समय प्रभारी सेराम और दक्षिणी थे, मेरे पास आए और हमसे कहा दादा मेरा भाई बीमार है, दिल्ली में भर्ती है, गंभीर हालत, हमें छुट्टी नहीं मिल पाई, हम 5 लाख रुपया उधार दे दो, हम घर जा करके FD तोड़ा करके आपके रुपए हम वापस कर देंगे। एक प्रकरण हुआ है जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने मदद के तौर पे एक कुछ पैसे दिए थे यहाँ साइबर क्राइम इंचार्ज इंस्पेक्टर नीरज को, और ये काफ़ी पहले दिए थे, वो अपना पैसा कुछ वापस आ गए थे, कुछ पैसा बाकी था, नीरज यहाँ से स्थानांतरित हो गया अन्य जनपद के लिए, तो अपने पैसे मांग रहे होंगे। इसी बात को लेके कुछ वाद विवाद हुई, बात बढ़ गई, नीरज उनके आवास पे गए और उनसे साथ अभद्रता की। इस मामले में पुलिस वहाँ पर पुलिस के अधिकारी पहुँचे और उन्होंने मामले को शांत कराया। इसमें इंस्पेक्टर को तत्काल प्रकरण के संदर्भ में निलंबित कर दिया गया है और पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से मुझे विभागीय जाँच के लिए निर्देशित किया गया, उसमें मुझे एक आदेश मिला है जिसमें इसकी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। इसमें ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जी 10 न्यूज़।
है।